हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इट्स एवरी बॉन्साई हियर। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉट को कहते हैं हाफ मून बॉन्साई पॉट। तो ये हाफ मून बॉन्साई पॉट मैंने कैसे बनाया, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। और इसके ऊपर ये बॉन्साई मैंने लगाया है जंगल जलेबी का। तो चलिए गाइज देखते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बलून। बलून को हम फुलाएंगे, जितना हमको शेप चाहिए हमारे पॉट का वैसा हम उतना बड़ा बलून लेंगे और उसको एक प्लेस कर देंगे जहाँ पर बलून फटे नहीं। तो गाइज़ हम लोग उसके ऊपर लेंगे सीमेंट, ये आप देख सकते हो। तो ऐसे पाउडर सीमेंट को आप ले लीजिए, 1 kg या 2 kg जितना ले लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी के साथ। थोड़ा सा जाड़ा पेस्ट बनाइए, मतलब जिससे वो एकदम ढह ना जाए, थोड़ा वहाँ चिपक के रहना चाहिए, इतना आप पेस्ट बनाइए जैसे आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। और बलून के ऊपर रखने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से या फिर आप जैसे अच्छे लगे ब्रश से उसको फैला दीजिए। इसको हम लोग 3 प्रोसेस में करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सीमेंट लगा रहा हूँ। सीमेंट लगाने के बाद उसको थोड़ा सूखने देंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट डालेंगे, फिर उसको सूखने देंगे, फिर थोड़ा सा सीमेंट डालेंगे। क्योंकि एक ही बार में अगर हम लोग सारा सीमेंट डाल देंगे तो वज़न के वजह से सारा ढह के नीचे चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे सीमेंट डाल रहा हूँ तो नीचे की तरफ चला जा रहा है, वहाँ पर रुक नहीं रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जो पॉट है वो थोड़ा कमज़ोर बन सकता है। बट अगर हमें गाइस एक स्ट्रॉन्ग पॉट बनाना हो तो हमें इसको 3 या 4 बार में बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी इसको एक लेयर बना दिया है अच्छे से, इसको मैं थोड़ी देर सूखने दूँगा, फिर देखिए कि अभी मैं इसको क्या करूँगा। जैसे ये सूख गया आधा घंटे तक, थोड़ा सा सूखा है, ज़्यादा नहीं सूखा है, फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा और सीमेंट डालने का स्टार्ट करूँगा। तो इससे क्या होगा कि उसका जो ग्रिप मिलेगा और वो अच्छे से चिपक जाएगा दूसरे सीमेंट के साथ, और हमारा सीमेंट का जो लेयर है पॉट का वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, उसका बेस और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिससे वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको 3 बार में किया है, पर वीडियो में मैंने इसको 2 ही बार दिखाया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब तक आपको ये सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि आपका पॉट अच्छे से थोड़ा मोटा हो गया है और वो जल्दी टूटेगा नहीं, तब तक आप उसका लेयरिंग कर सकते हैं ऐसे। सो गाइज, इस हाफ मून पॉट का जो लेयर है वो हमको थोड़ा रफ दिखाने के लिए मैं ऊपर ऊपर से ना सीमेंट के ड्रॉप्स डाल रहा हूँ, ताकि वो ऐसा पत्थर जैसा लुक आए उसका। और गाइज जब मैं इसके शेप से सेटिस्फाई हो गया, उसके ऊपर से मैंने सीमेंट के जो पाउडर है वो मैंने छिड़क दिया, ताकि ऊपर से थोड़ा और ज़्यादा रफ लुक आए अच्छे से। तो ये मैंने ऊपर से थोड़े थोड़े इसके पाउडर छिड़क दिए, इसको सूखने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो गाइज इसको मैंने कम से कम 4 दिन तक सुखाया है, और 4 दिन सुखाने के बाद आप यहाँ पर देखिए हमारा जो पॉट है वो रेडी है। जो बलून है, बलून का हवा थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि बलून ऐसा ही रहता है, आप कोई भी बलून फुलाइए शाम तक वो थोड़ा सा कम हो ही जाता है। तो ये तो 4 दिन बाद थोड़ा सा कम हो गया है। ये गाइस हमारा पॉट हो गया है रेडी। अब हम करेंगे इसके सेंटर में छेद और इसको हम लोग रेडी कर देंगे बॉन्साई के लिए। सो गाइस ये है मेरा हाफ मून पॉट, बॉन्साई पॉट। ये थोड़ा रफ लुक दिख रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया, आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। सो गाइस जबकि हमारा पॉट रेडी हो चुका है, तो हम इसके लिए अभी रेडी करेंगे बॉन्साई जो इसके ऊपर सूट करें। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने लिया है मेरा फेवरेट जंगल जलेबी, जिसको इंग्लिश में पिते सेलोबियम भी बोलते हैं। तो गाइज़ इसका शेप मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे नहीं लगा इसको बॉन्साई पॉट फ्लैट पॉट में रखना चाहिए, इसका शेप ही मुझे लगता है बना हुआ है ताकि मैं इसे हाफ मून पॉट में रखूँ। तो गाइज़ चलिए इसको हम रेडी कर लेते हैं यहाँ पर, इसको ट्रेनिंग पॉट से हम बाहर निकाल लेंगे। सो गाइज़ इसको हमने बाहर निकाल लिया है, अभी इस पॉट को हम साफ़ करेंगे और इसके रूट बॉल को बाहर निकालेंगे। देखिए इसका रूट बॉल इतना हो गया है, तो हमें इसके रूट बॉल को भी कट करना पड़ेगा, तो वो भी हमने कट करके छोटा कर लिया है। अभी हम लोग अपने पॉट को रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर डालूंगा अंदर, ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। उसके ऊपर मैं डालूँगा कि गार्डन सॉइल और वर्मी कम्पोस्ट का जो मिक्सर है वो। तो अच्छे से 2 लेयर बना दिए। अभी हम अपने ट्री को वहाँ प्लेस कर देंगे अच्छे से, कि थोड़ा झुका हुआ लगना चाहिए, वो हाफ मून पॉट के बाहर आना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। जहाँ भी आपका पेड़ स्टेबल रहे वहाँ रख दीजिए, और ऊपर से डाल दीजिए हमारा गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर। अच्छे से इसको थोड़ा दबा दीजिए, उसके बाद इसको वाटरिंग करें, और 4 से 5 दिन तक इसको शेड में रहे, डायरेक्ट धूप में ना निकालें। तो गाइज रेडी हो गया है हमारा हाफ मून पॉट बॉन्साई के साथ। तो इसका लुक तो मुझे बहुत ही पसंद आया, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, ऐसे ही हमारा फैमिली बड़ा होता रहेगा। अगर आपको भी बॉन्साई पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और ये वीडियो को शेयर करें अगर हो सके तो। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।